दोस्तों, ये इंडिया का फर्स्ट वॉलंटियर पार्क्स वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में स्थापित। विगत डेढ़ दो साल की मेहनत रिसर्च विंग की और पूरे जो हैबिटेट पोलिनेटर्स का बनाया गया है, इस समय पूरा ब्लूमिंग में है। गर्मी होने के बावजूद भी बहुत शानदार फ्लावरिंग है और पोलिनेटर्स को बरबर सी ये आकर्षित कर रहा है। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम पोलिनेटर्स को यहाँ पे उनके प्राकृतिक वास उसको उपलब्ध करा सकें, ताकि वो इसके बाहर जाकर भी जो दूसरे हमारे क्रॉप्स हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर के क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन पर भी पोलन कर सके, पोलिनेशन का काम कर सके, ताकि जो हमारी थाली में जो भोजन आ रहा है उसके लिए ये हमें उस प्रक्रिया को इनके द्वारा पूर्ण किया जाता है। और ये एक बहुत शानदार स्थल यहाँ पर बन चुका है, पर्यटकों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, शोधार्थियों के लिए भी। और ये कोशिश की गई है कि यहाँ पर पोलिनेटर्स को किसी भी तरह से नेचुरल हैबिटेट प्रदान किया जा सके। ये तरह तरह की आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी। उनकी जो होस्ट प्लांट हैं वो कंप्लीट आपको यहाँ पे दिखेंगी। शांत वातावरण, सिर्फ और सिर्फ पोलिनेटर्स की उपस्थिति। बटरफ्लाई एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराते हुए, हनी भी अपना शांत में पुष्पों से पराग कलेक्ट करते हुए। बहुत खूबसूरत नज़ारा। बहुत बड़ी उपलब्धि है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिसर्च विंग की और काफ़ी मेहनत के बाद हमने इस पोलिनेटर्स पार्क्स को इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे। कोशिश की गई है कि अधिकतर प्रजातियाँ यहाँ पे संरक्षित हो सके, उनको एक प्राकृतिक वासस्थल मिल सके। तो ये था पोलिनेटर्स पार्क्स हल्द्वानी का, और आप लोग भी ज़रूर यहाँ पर विजिट करिए। स्कूल के विद्यार्थियों को विजिट कराइए, शोधार्थी यहाँ पर आ सकते हैं, और जो पर्यटन है उनके लिए भी यहाँ पर हमने इसको अलाउ किया है। कभी भी किसी भी तिथि को यहाँ पर एक नॉमिनल इसका एक चार्ज है। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर विजिट है। बाकी अन्य 18 साल से नीचे वालों को 10 रुपया और 18 साल से ऊपर के जो भी विजिटर्स होंगे उनको 25 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। उसके बाद इस पार्क को आप आराम से इसको देख सकते हैं और इसका अवलोकन कर सकते हैं। धन्यवाद।